गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास, दिस इज़ वनीशा, यूर टीचर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम कल्पना चावला विद्यापीठ। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी एट योर प्लेसेस एंड हैव कम्प्लीटेड यूर वर्क टिल पोएम माई कैट नोज कराटे। बेटे हमने 3 chapters एंड 2 poems कम्प्लीट कर ली हैं, आपने अपना वर्क वहाँ तक कम्प्लीट कर लेना। टूडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, रीचिंग फॉर द मून। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, रीचिंग ऑन फॉर द मून। इस चैप्टर में बेटा मून के बारे में काफ़ी सारी डिटेल है कि उसके ऊपर हमारे जो चंद्रयान पीछे सैटेलाइट गया था उसके बारे में है, मतलब मून के बारे में हर डिटेल इसमें दे रखी है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो बेटा बिल्कुल ध्यान से समझोगे। ओके बेटा, लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। डॉक्टर इंदिरा नायर वॉज पार्ट ऑफ द टीम दैट डेवलप्ड सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इंडियाज मिशन टू द मून। कि डॉक्टर नायर जो थी वो उस टीम का हिस्सा थी। किस टीम का हिस्सा थी डॉक्टर नायर? उस टीम का हिस्सा थी जो कि इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर रहे थे इंडिया का मिशन, जो मून के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं या फिर सैटेलाइट्स बनाए जाते हैं, उस टीम का हिस्सा थी कौन? डॉक्टर इंदिरा नायर। चंद्रयान 2 कौन सा मिशन था? ये चंद्रयान 2, आपने नाम भी सुन रखा होगा पहले टीवी वगैरह पे। शी इज़ विजिटिंग द स्कूल वेयर शी स्टडीड एट एज अ चाइल्ड। कि वो उस स्कूल में विजिट करने के लिए गई थी जहाँ पे वो बचपन में पढ़ती थी। शी विल हैव एन इंटरैक्टिव सेशन विद द स्टूडेंट्स। कि वो बच्चों के साथ इंटरैक्टिव सेशन करेंगे, मतलब बच्चे उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे मून के बारे में, चंद्रयान के बारे में, और वो पूरी डिटेल उनको नॉलेज देंगी उस बारे में। द स्टूडेंट्स आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट डॉक्टर नायर विजिट एंड आर क्यूरियस अबाउट इंदिरा स्पेस प्रोग्राम। जो बच्चे थे वह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे डॉक्टर नायर से मिलने के लिए और उनसे क्वेश्चंस पूछने के लिए, किसके बारे में? इंडिया स्पेस प्रोग्राम के बारे में। मिसिज आशा वकील द साइंस टीचर इज़ होल्डिंग अ डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स विद द क्लास। कि उनकी क्लास टीचर जो थी मिसिज आशा वकील, उनकी साइंस टीचर थी, वो उनके साथ एक सेशन कर रही थी, मतलब डिस्कशन कर रहे थे क्लास में वो उनके आने से पहले, डॉक्टर इंदिरा नायर के आने से पहले। अब इसमें कौन कौन से करेक्टर्स हैं बिल्कुल ध्यान से देखोगे, ये आपका 2 marks का क्वेश्चन बन सकता है। साइंस टीचर का नेम क्या था? मिसिज आशा वकील। और स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6C, अब क्लास 6C के स्टूडेंट्स के इन्होंने नेम दे रखे हैं, अनुज, किरण, वेरोनिका, सोहेल, हरप्रीत, कार्तिक, जयंत, सारा, एलन, नताशा एंड रितेश। ये सभी बच्चे हैं क्लास में, ये लोग, ये बच्चे सारे और जो इनकी टीचर हैं साइंस टीचर, वो आपस में डिस्कशन करते हैं। अ क्लास इन प्रोग्रेस, अब क्लास चल रही होती है। अनुज, अब अनुज क्या क्वेश्चन रेज करता है? मैम इज़ डॉक्टर नायर ए स्पेस साइंटिस्ट। कि मैम क्या डॉक्टर नायर एक स्पेस की साइंटिस्ट हैं? अब किरण क्या पूछती है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्पेस साइंटिस्ट एंड एन एस्ट्रोनॉट। कि एक स्पेस साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? वेरोनिका क्या पूछती है? मैम हु वर द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर स्पेस। कि स्पेस में जाने वाले इंडिया के फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे? उसके बाद मिसिज वकील क्या बोलती है? लाफिंग आई नो यू हैव मैनी क्वेश्चंस। कि मुझे पता, हंसते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत से क्वेश्चंस हैं, बट प्लीज़ टेक टर्न्स टू आस्क क्वेश्चन। लेकिन अपनी बारी बारी से टर्न से आप क्वेश्चन पूछो। सोहेल व्हाट डू यू विश टू से। अब टीचर सबसे पहले सोहेल को बोलती है, हाँ सोहेल आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो। सोहेल आई नो द आंसर टू किरण्स क्वेश्चन। सोहेल कहता है कि मुझे किरण के क्वेश्चन का आंसर पता है। किरण ने क्या क्वेश्चन किया था कि स्पेस साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और सोहेल क्या आंसर देता है? अ स्पेस साइंटिस्ट स्टडीज स्पेस एंड बिल्ड स्पेस क्राफ्ट। कि स्पेस साइंटिस्ट जो है वो इसकी पढ़ाई करते हैं, स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं और स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं। स्पेस क्राफ्ट वो होता है जिससे कि स्पेस में जाया जाता है, जैसे एरोप्लेन है उससे तो हम स्काई में जाते हैं, इधर उधर
घूमने के लिए जा सकते हैं, बट स्पेस क्राफ्ट से स्पेस में जाया जाता है। एन एस्ट्रोनॉट ट्रेवल्स इनटू स्पेस इन अ स्पेस क्राफ्ट। और एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉट स्पेस क्राफ्ट में बैठ के स्पेस में घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पे रिसर्च करने के लिए जाते हैं। मिसिस वकील, उनकी टीचर क्या बोलती हैं? दैट्स राइट, कि बिल्कुल ठीक है। मैनी एस्ट्रोनॉट्स आर आल्सो ट्रेंड साइंटिस्ट एंड समटाइम्स दे कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। कि काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो ट्रेंड साइंटिस्ट होते हैं, मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाती है और कई बार वो स्पेस में जाके एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं कि स्पेस में क्या क्या चीज़ें हैं स्पेस के बारे में, क्योंकि बहुत स्पेस हमारा जो बहुत बड़ा है अंतरिक्ष हमारा, और उसके बारे में खोज करना एक बार में कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए साइंटिस्ट जो होते हैं बार बार वहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। एंड वेरोनिका टू आंसर योर क्वेश्चन, और वेरोनिका भी आपके क्वेश्चन का आंसर देगी। विक्रम साराभाई एंड होमी भाभा वर फर्स्ट इंडियंस टू वर्क ऑन अ स्पेस प्रोग्राम। कि विक्रम साराभाई एंड होमी भाभा, ये दोनों जो थे ये आपके साइंस में भी आए होंगे बेटे, ये दोनों स्पेस प्रोग्राम इंडिया के फर्स्ट इंडियंस थे, मतलब फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने स्पेस प्रोग्राम के बारे में काम किया था, मतलब स्पेस के बारे में उन्होंने पहले काम किया था, रिसर्च की थी। हरप्रीत क्या कहती है? आई रिमेंबर रीडिंग अबाउट इट, कि मैंने इनके बारे में कहीं पढ़ा था, मुझे याद है। दे वर दी फर्स्ट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू द अर्थ अपर एटमोसफेयर एंड कॉस्मिक रेज। कि इन्होंने, मुझे याद है मैंने इनके बारे में पढ़ा था, इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे अर्थ के अपर एटमोसफेयर के बारे में। आपने एटमोसफेयर की लेयर्स के पढ़ी होंगी ना साइंस में, तो उसमें काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं और उसमें कॉस्मिक रेज होती हैं। कॉस्मिक रेज क्या होती हैं? वो रेज जो कि अर्थ से, जो कि स्पेस से हमारे अर्थ पे रेज आती है, उनको बोलते हैं कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज क्या होती हैं? जो कि स्पेस से हमारी अर्थ पे आती हैं उनको बोला जाता है कॉस्मिक रेज। तो उसमें इन दोनों ने किस बारे में एक्सप्लेन किया था? इन्होंने अर्थ का जो अपर एटमॉस्फेयर है उसके बारे में और कॉस्मिक रेज के बारे में डिटेल में एक्सपेरिमेंट किए थे। अब मिसिस वकील जो उनकी टीचर हैं वो क्या बोलती हैं? दैट्स राइट, बिल्कुल ठीक है। नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट द मून? अब वो कहती है कि तुम्हें मून के बारे में भी कुछ पता है? वेरोनिका आंसर देती है, ऑन द मून वी वे आर 1/6 ऑफ आवर वेट ऑन द अर्थ। वो कहती है कि मून पे हमारा जो वेट होता है वो 1/6 हो जाता है। मीन्स अगर किसी का वेट अर्थ पे 30 kg है तो उसका 1/6 कितना बनेगा? 30 × 1/6 = 5 kg। 6 की टेबल में 5 पे आता है ना 30, तो जिसका वेट यहाँ पे 30 kg है अर्थ पे, उसका वेट मून पे ओनली 5 kg होगा। अनुज, दिस इज बिकॉज द ग्रेविटी ऑफ द मून इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज टू द अर्थ। अनुज कहते हैं कि क्योंकि जो मून की ग्रेविटी है वो अर्थ की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारी अर्थ पे क्या होता है, हम कोई भी चीज़ ऊपर गिरते हैं तो वापस वो नीचे आती है और हम जमीन पे टिक सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, गाड़ियाँ हमारी तभी चल सकती हैं, लेकिन मून पे ऐसा नहीं होता। मून पे हम लोग चल नहीं सकते, वहाँ पे हम जाते ही, मतलब मून के एटमॉस्फेयर में पहुँचते ही हम लोग उड़ने लग जाते हैं। आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा या फिर कोई मूवी देखी होगी, तो वहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि मून पे जो होते हैं लैंड करते ही जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो उड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं होती है। अब हरप्रीत क्या कहती है? वी आल्सो नो, वी आल्सो नो दैट मून्स ग्रेविटी कॉजेज टाइड्स इन द सीज एंड ओशियंस। कि हमें ये भी मालूम है कि मून की जो ग्रेविटी होती है उसकी वजह से, उसके कारण से जो सीज होते हैं या ओशियंस होते हैं, बड़े बड़े महासागर होते हैं, उनमें टाइड्स आते हैं। दिन में 2 बारी लो टाइड और हाई टाइड्स आते हैं। आपने साइंस में पढ़ोगे आप टाइड्स के बारे में, या अपनी साइंस की मैम से पूछना कि मून की ग्रेविटी की वजह से समुद्र में टाइड्स आते हैं, तूफान आते हैं। कई बार वो लो टाइड्स होते हैं, कई बार हाई टाइड्स होते हैं। हाई टाइड्स में बहुत ज़्यादा तूफान आते रहते हैं। किरण, आई हैड रेड दैट द मून हैज़ अ वेरी थिन एटमोसफेयर। कि अब किरण क्या कहती है? मैंने ये भी पढ़ा है कि मून पे काफ़ी थिन एटमोसफेयर होता है। क्यों होता है?
इट इज़ ऑलमोस्ट अ वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? एम्प्टी स्पेस दैट डज नॉट कंटेन एयर, कि खाली जगह जिसमें कि हवा भी नहीं होती। जैसे वैक्यूम क्लीनर आपने सुन रखा होगा, वो क्या करते हैं, वैक्यूम क्लीनर जो हम घरों में सफाई के लिए यूज़ करते हैं, कई लोग आपने देख भी रखा होगा, उसमें क्या होता है, आगे छोटा सा पाइप लगा होता है, तो उसका बटन ऑन करते ही वो सारी जो गंदगी होती है, मिट्टी होती है, डस्ट होती है, उसको खींच लेता है, क्योंकि वो अंदर बिल्कुल खाली उसका बॉक्स होता है और वो उसको सारी डस्ट को खींच लेता है अंदर। तो वैक्यूम में क्या होता है, कोई भी एयर नहीं होती, हवा नहीं होती बिल्कुल भी। सो द स्काई अपीयर्स ब्लैक ऑन द मून, इसलिए जो मून पे स्काई है बिल्कुल ब्लैक कलर का दिखाई देता है। मून में क्या क्या विशेष स्पेशलिटी होती है कि उसका जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल थिन होता है, पतला होता है, मतलब जितना हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे हवा बिल्कुल भी नहीं होती और वहाँ जो मून के स्काई है, आसमान है मून पे, वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। अब मिसिस वकील क्या कहती हैं, यस एंड दैट इज़ वाई नो साउंड कैन बी हियर्ड ऑन द मून, इसलिए मून के ऊपर कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि आवाज़ को सुनने के लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। हम धरती पे हैं, अर्थ पे हैं, तो अर्थ पे एयर है जिसकी वजह से हमें आवाज़ सुनाई देती है। बिकॉज साउंड वेव्स नीड अ मीडियम लाइक एयर और वाटर टू ट्रैवल, क्योंकि साउंड की वेव्स को ट्रैवल करने के लिए हवा या पानी कुछ ना कुछ मीडियम ज़रूर चाहिए होता है, नहीं तो हमें बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। यू विल लर्न अबाउट दिस सून, तुम इसके बारे में जल्दी ही पढ़ोगे। कार्तिक, बट वाई डू वी एक्सप्लोर स्पेस एंड सेंड सैटेलाइट्स इन टू इट। अब कार्तिक क्या क्वेश्चन अराइज करता है कि हम स्पेस के बारे में क्यों एक्सप्लोर करते हैं, मतलब स्पेस के बारे में क्यों एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और सैटेलाइट्स क्यों भेजते हैं वहाँ पर। अब मिसिस वकील उनकी टीचर क्या कहती हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी हेल्प्स अ कंट्री सोल्व मैनी ऑफ इट्स एवरीडे प्रॉब्लम, कि स्पेस की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, हर कंट्री को हेल्प करती है किस चीज़ में, काफ़ी सारी डे टू डे एवरीडे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने में। फॉर इंस्टेंस द सैटेलाइट्स वी हैव इन स्पेस आर यूज्ड टू फोरकास्ट वेदर कंडीशंस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सैटेलाइट्स जो स्पेस में भेजे जाते हैं वो वेदर कंडीशन की पता लगाने के लिए होता है, कि कब बारिश होने वाली है, कब सूखा पड़ने वाला है, इन सभी बातों के बारे में सैटेलाइट हमें पहले ही बता देते हैं, उनके थ्रू हमें पहले ही पता चल जाता है। वी कैन नाउ प्रिडिक्ट स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स मच इन एडवांस एंड सेव पीपल्स लाइव्स, कि हम जो हैं अभी स्टॉर्म्स तूफान को या साइक्लोन्स को पहले ही एडवांस में ही पता लगा लेते हैं और लोगों की लाइफ को सेव कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हमने क्या किया, इन मई 2020 में क्या किया था, वी कुड रेस्क्यू लैक्स ऑफ पीपल बिफोर साइक्लोन एम्फन हिट आर शोर्स, कि हमारे समुद्री इलाके जो हैं ओशियन से उनके आसपास हमने मई 2020 में काफ़ी सारे लोगों को रेस्क्यू किया था, मतलब लाखों लोगों को बचा लिया था वहाँ पे, क्योंकि समुद्र में तूफान आने वाला था, साइक्लोन आने वाला था, जिसका नाम था एम्फन। तो हमने उस तूफान से काफ़ी सारे लैक्स ऑफ पीपल्स को, उनकी लाइफ को बचा लिया था, उनको पहले ही किसी सेफ प्लेस पे ले जाया गया था। वी कैन यूज़ स्पेस टेक्नोलॉजी टू मैप आवर लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, और हम स्पेस टेक्नोलॉजी को अपने लैंड और वाटर रिसोर्सेज का पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं, कि हमारी जो पूरी धरती पे कहाँ कहाँ पे वाटर रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ पे लैंड खाली है, कहाँ पे फॉरेस्ट हैं, पूरी बात का पता लगा लेते हैं हम इससे। इट इज़ आल्सो यूज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और सैटेलाइट्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए भी ज़रूरी हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है, जो कि हम सेलफोन से बात कर सकते हैं, टेलीफोन से बात कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें सैटेलाइट्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाई हैं। अब आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, होप यू अंडरस्टूड। यू हैव टू फाइंड आउट दीज टू क्वेश्चन आंसर्स, हु वर दी फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर स्पेस, आपके पीछे वाले पेज पे आया था, फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने स्पेस पे एक्सप्लोर किया था स्पेस को, वाई कांट साउंड बी हर्ड ऑन द मून, और मून पे साउंड क्यों नहीं सुनाई देती है। आपको ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करनी है, आपसे मैं अगली क्लास में पूछूंगी। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।